नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल और पंजाब के कर्मचारियों के नंबर वन न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। कर्मचारियों के लिए नए साल में नया वेतनमान लागू कर दिया गया है। वेतनमान के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी को 10-15% वेतन वृद्धि का लाभ मिलने जा रहा है। 28% डीए कर्मचारियों को दिया जा रहा है। हालांकि प्रदेश के करीब 2,00,000 पेंशनर्स के लिए अभी तक सरकार की तरफ से नए वेतनमान की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि पेंशनर्स के लिए भी जल्दी नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा उनकी फाइल तैयार की जा रही है और आने वाली कैबिनेट में ये फाइल जा सकती है, और वहां पर हिमाचल प्रदेश के करीब 2,00,000 पेंशनर्स के लिए भी नए वेतनमान को मंजूरी मिल सकती है। ये जो हिमाचल सरकार ने नया वेतनमान लागू किया है उसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं और किसको क्या लाभ मिलने वाले हैं। 5वें पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के 2009 में लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों को ग्रेड पे अथवा पे बैंड में 2012 में संशोधन हुआ है उनके पास सरकार द्वारा अधिसूचित 2.25 अथवा 2.59 के फैक्टर में से कोई एक विकल्प चुनने का अधिकार होगा। इसके आधार पर ही वेतन बढ़ोतरी का लाभ होगा। बाकी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को 2.59 फैक्टर के तहत वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, और जितने भी कर्मचारी 1-1-2016 के बाद भर्ती हुए हैं उनको भी 2.59 फैक्टर का ही लाभ हो रहा है। उनको 2.25 फैक्टर का लाभ किसी भी तरह से नए वेतनमान में नहीं दिया जा रहा है। अगर वो 2.25 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का इस्तेमाल भी करते हैं तो उन्हें वेतन वृद्धि में खास लाभ नहीं हो रहा है। और वैसे भी जो उनका फिक्सेशन टेबल है वो इनिशियल पे के हिसाब से 2.59 फैक्टर के इस्तेमाल से ही तैयार किया गया है, और ऐसी स्थिति में उनके लिए 2.25 फैक्टर का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। डीए पर भी स्थिति साफ नहीं है। ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि 28% डीए को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है, लेकिन अधिकारियों को जितने भी केंद्र के अधिकारी हैं या जो भी केंद्र का वेतनमान ले रहे हैं उनको 31% डीए देने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन कर्मचारियों को अभी 28% डीए ही दिया जा रहा है। नए वेतनमान में डीए कितना होने वाला है इसके लिए भी सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इसमें जो डीए आपका रहेगा वो 1-1-2016 से कोई भी डीए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 1-7-2016 से 2% बेसिक पे पर आपको डीए दिया जाएगा। इसी तरीके से 1-1-2017 से 4% डीए आपको मिलेगा, और 1-7-2017 को 5%, 1-1-2018 को 7%, 1-7-2018 से 9%, 1-1-2019 को 12% डीए आपको मिलेगा, 1-7-2019 को 17% डीए आपको मिलने जा रहा है, और 1-7-2021 से आपको 28% डीए आपको मिलने वाला है नए वेतनमान के अनुसार। और इसकी अधिसूचना भी 3 जनवरी 2022 को ही जारी कर दी गई थी। अभी नए भत्ते नहीं। यहाँ सरकार ने कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने के बारे में नियम तो अधिसूचित कर दिए हैं, लेकिन इसमें साफ लिखा गया है कि आवास भत्ता, टीए, डीए जैसे अन्य भत्ते फिलहाल पुरानी दरों पर ही मिलेंगे। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी। डॉक्टर्स के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि चिकित्सकों, आयुर्वेदिक डॉक्टरों, पशु चिकित्सकों को मिलने वाला नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस एनपीए 20% होगा। मूल वेतन व एनपीए की रकम किसी भी सूरत में 2,18,600 से अधिक नहीं होगी। एनपीए की गणना में किसी और भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।
आयोग ने स्टेट सचिवालय सर्विस के कर्मचारियों के वेतन को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा दोगुना करने की सिफारिश की थी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सर्विसेज सेवाओं के कर्मचारियों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सचिवालय सर्विसेज के कर्मचारियों को 250 से 2500 रुपये तक का फायदा मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की खबरों के लिए, इसी तरह के सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।